नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं कमल वर्मा लखनऊ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपने हमारा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज किस वीडियो में क्या सिखाने वाले हैं। एक फिल्मी गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, फिल्म पारस मणि का गाना है ये। और यह गाना जो है दादरा ताल में है, तबले में या ढोलक में। इस गाने में बहुत ही बढ़िया ठेका बजा है, बहुत ही जो भी बजा है, जितने भी पैटर्न्स बजे हैं बहुत ही अच्छे बजे हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, आज का वीडियो बहुत ही सुपर हिट होने वाला है। और ये ताल दादरा में है, तो इसमें क्या है ना कि उठान बजी है, ठेका बजा है और वेरिएशन उसके बजे हैं। जितना जो भी बजाया गया है मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। एकदम ओरिजिनल ठेका की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी सिखाऊंगा एकदम ओरिजिनल सिखाऊंगा। पहले मैं एक बार आपको बजा के सुना दूंगा, उसके बाद में सिखाऊंगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और हाँ, बहुत ही आसान बोलों के साथ में सिखाऊंगा भी और समझाऊंगा, ताकि आप जल्द से जल्द सीख जाए, जल्द से जल्द अच्छा समझ पाए उसको। आज की इस वीडियो का जो पैटर्न है ना वो सीख लिए, तो यही गाना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ऐसे दादरा ताल के गाने हैं, बहुत ऐसे भजन हैं जो दादरा ताल में बजते हैं। कम से कम लाख रुपए का ठेका आज आपको हम सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक बार मैं आपको गा करके, गुनगुना करके, बजा करके सुना दूं, उसके बाद में इसके जो भी बोल है मैं आपको बता रहा हूँ। हंसता हुआ लाख रुपए की चीज आप सीखने जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सिखाएगा किसी फिल्मी गाने के ओरिजिनल पैटर्न्स, ओरिजिनल ठेके, ओरिजिनल वेरिएशन कोई नहीं सिखाएगा, कहीं भी सीख लीजिए आप। सिखाने वाले जो इसकी बारीकियां होती है, टेक्निक बजाने की होती है, जो ओरिजिनलिटी होती है ना, वो लोग छिपा देते हैं, छिपा लेते हैं, नहीं बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिनल ठेका सिखाऊंगा, ओरिजिनल पैटर्न सिखाऊंगा। बस भाई चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, काटा पीटी तो बिल्कुल ही ना मचाएं। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, हंसता हुआ, हंसता हुआ। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है, हंसता हुआ, हंसता हुआ। वाह जो है वाह सम शब्द है, वाह से ही हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, जो भी है ना दादरा ताल की उठान, हंसता हुआ। इस उठान के बोल क्या है, ता त्रिकृत ता। जो भी मैं बोलों को बोल रहा हूँ वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहे हैं, फटाफट एक कॉपी और कलम ले लीजिए और बोलों को आराम से पहले लिख लीजिए। उठान, ठेका, वेरिएशन जो भी मैं सिखाऊंगा सीरियल से आप उसको लिखते जाइए। तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ उठान से, क्योंकि इस गाने में उठान से ही हमारा ठेका उठा है, मतलब पहले उठान बजी है फिर बाद में ठेका। तो उठान के बोल क्या है, ता त्रिकृत ता। अब तबले में कैसे बजाएंगे, देखिए देखिए, पहला बोल है ता 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 धा ना ता, ये सारे बोल तो बजाने आपको आते ही हैं। तो ता बजाएंगे चाटी पर और ता के साथ में बाएं को पट लगाएंगे, ता ता ता। ताके बाद में क्या है, त्रिकिट, त्रिकिट बजाना आपको आता है कि नहीं, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है तो अभी पिछला वीडियो ही हमने बनाया था उसमें त्रिकिट बजाना सिखाया था, त्रिकिट का रेला भी सिखाया था, तीन ताल का था। तो त्रिकिट बहुत आसान है, अगर त्रिकिट बजानी नहीं आती तो पीछे वीडियो में जाइएगा सीख लीजिएगा, और इस वीडियो में भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ता बोल क्या है, ता तिरकिट। पहले एक एक थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे ना, इकट्ठा एकदम नहीं सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेगा। पहला बोल ता ता, उसके बाद में तिरकिट तिरकिट, तो क्या हो गया, ता तिरकिट। उसके बाद में क्या है, तित्ता तित्ता, दो बोल हैं ती और ता,
तो ती कहाँ बजाएंगे, यहाँ पे पहली उंगली से स्याही के बिल्कुल सेंटर में टिक, और लास्ट वाला ता ये आएगा चाटी पे, जैसा हमने पहला ता बजाया था वैसे ही लास्ट वाला ता बजेगा, एकदम सेम बजेंगे पहला ता लास्ट वाला ता ता। अब देखिए पहले शुरुआत से देखिए ता ती द ती त टिक ता, ती हमारा खाली बजेगा सिंगल बजेगा, बेस थपा कुछ भी नहीं लगाना है, ता ती द ती त टिक ता ता ती द ती त टिक ता। बहुत ही आसान उठान है इसकी, और मैं एक एक बोल को सरलता पूर्वक आसानी से आपको सिखा भी रहा हूँ। देखिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है, हम लोग इंसान हैं तो आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। आप हमसे ऐसे सीखिए जैसे कि हम आपको मोबाइल पर यूट्यूब पर नहीं एकदम आमने सामने फेस टू फेस सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जब सीखा करें तबला लेकर बैठ जाइए, कॉपी कलम भी साथ में रख लीजिए, बोलों को लिखते जाइए, वीडियो को रोक दीजिए, फिर थोड़ा सा सीख लीजिए, फिर रोक दीजिए, ऐसे सीखिएगा, ठीक है। तो उठान हमारी कंप्लीट हो गई, ता तिरकिट तित्ता, इसी को फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हंसता हुआ, उठान हमारी कंप्लीट हो गई, स्टार्टिंग जो गाना का स्टार्टिंग है ना वो कंप्लीट हो गया, हंसता हुआ ठेका सीखते हैं। उठान के बाद क्या है, ठेका है, ठेका का बोल क्या है, धा धीना धा धीना धा धीना धा धीना। बोलों में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा, क्योंकि बोल सेम है, धा धीना और धा धीना, इधर भी धा धीना है उधर भी धा धीना है। ये ठेका मैं ओरिजिनल सिखा रहा हूँ इसलिए आपको बोल कुछ अलग अटपटे लग रहे होंगे कि दादरा ताल का ठेका तो दूसरा होता है, फिर ये कैसा ठेका है जो इसमें समानता वाले बोल है, सभी समान है, ओरिजिनल ठेका है। इस ठेके में पूरा का पूरा भराव मिलेगा आपको, पूरा पूरा ठेका भर के आएगा, देखो ना, है ना, एकदम बढ़िया ठेका बज रहा है, भर के आ रहा है। तो धा धीना बोलो को लिख लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा, बजाने की टेक्निक मैं बता रहा हूं, इस ठेके में टेक्निक काम आएगी, ठीक है। तो पहला बोल है धा धा, पहला धा घिस्से से बजाएंगे, मतलब धा धा घिस्सा लगाएंगे, हाथ को स्लाइड करेंगे धा। दूसरा बोल क्या है, धी धी, अब धी का हमारा कहां का बोल है, लौ का, यानी लौ पर बजाएंगे धी, और धी के साथ बेस पीछे आएगा ऐसे, पहले धा पर आगे गया और धी पर पीछे आएगा, ठीक है, धा धी। आराम से देखिएगा, पहले धा बजाएंगे चाटी पर, बेस को स्लाइड कर देंगे धा पर, धा, उसके बाद में धी, धी पर पीछे कर देंगे बेस, धी, और ना, ना पर हाथ को पट कर देंगे, धा पर आगे, धी पर पीछे, और ना पर पट कर देंगे, धा धी ना, धा धी ना। धा बजेगा चाटी पर और धी बजेगा लौ पर, और फिर ना बजेगा वापस चाटी पर, ठीक है। तो तीनों बोलों के साथ में हाथ को प्रयोग करना है, बाएं को, धा धी ना। अब आगे की जो तीन बोल है वो भी एक जैसे ही है ना, तो उनकी बजाने की टेक्निक अलग रहेगी, ठीक है। अब कैसे जो आगे वाले बोल है वो कैसे बजाएंगे, चौथा बोल धा, देखिए धा बजाएंगे, बेस लेंगे एक उंगली से धा, सिंपल बजाएंगे, घिस्सा फिस्सा कुछ नहीं लगाएंगे, एकदम धा। उसके बाद में क्या है, धी, अब धी पर घिस्सा दे देंगे धी, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, बोल नंबर चौथा जो दूसरी लाइन का पहला बोल है, चौथा बोल धा है ना, तो बेस बजाएंगे पहली उंगली से धा धा, धी, और धी पर घिस्सा दे देंगे, धी लौ पर बजेगी धी, और लास्ट में ना खाली बजाना है, बस ये है इस ठेके की टेक्निक। फिर से देखिए, धा धी ना धा धी ना। अब धीरे धीरे मैं बजा रहा हूं, आप देखिएगा, धा धी ना धा धी ना धा धी ना धा धी ना।
अब शुरुआत से एक से लगाकर छह बोलों को देखिए। धा धी ना धा धी ना, इतना याद रखना। धा चाटी पे बजेगा, धी लौ पर आएगा और ना चाटी पे आएगा, ठीक है। बस धा धी ना धा धी ना धा धी ना धा धी। ठीक है, अब हमारी उठान और ठेका दोनों कंप्लीट हो गए। गाने के साथ देखेंगे। हंसता हुआ लू रानी चेहरा, काली दिल के रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तुम्हारे दिल रुबा। अब लास्ट में ये ठेका आता है। उठान भी कंप्लीट हो गई, ठेका भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप सीखेंगे। ये भी ठेका ही है, ये भी दादरा ताल का वेरिएशन ही है। इसका बोल क्या है? धिन्नाना धिन्धाना। बोलों को कॉपी में लिखते जाइए सीरियल से। मैं एक एक ठेका वेरिएशन स्टेप बाय स्टेप सिखाता जा रहा हूँ। आप लोग लिखते जाइए, सीखते भी जाइए। अब जो तीसरा हमारा पैटर्न है ना, इसका बोल है धिन्नाना धिन्धाना, धिन्नाना धिन्धाना, धिन्नाना धिन्धाना, धिन्नाना धिन्धाना, धिन्नाना धिन्धाना, धिन्नाना धिन्धाना। चलिए फटाफट ये ठेका भी सीख लेते हैं। बोल आपने लिख लिया, अब देखिए एक एक बोल बजाना सीखिए। कौन सा बोल कहाँ किस टेक्निक से बजेगा। पहला बोल है धिन, तो धिन कहाँ बजाएंगे? लौ, लौ पे। आप जानते हैं ना तबले में तीन पार्ट्स होते हैं, चाटी लौ से ही तीनों पार्टों के अलग अलग बोल होते हैं। तो जो हमारा धिन बोल है ना वो लौ पे बजेगा, धिन। और बेस कैसे बजाएंगे? पहली उंगली से, ये ऐसे, ये पहली वाली उंगली से बेस लेंगे, धिन धिन। थोड़ा सा उंगली को थोड़ा सा चिपका करके मारना है, धिन धिन, ये धिन धिन। बेस देख रहे हो कौन सी उंगली से ले रहे हैं, धिन धिन, ठीक है। धिन्नाना धिन्नाना, तीन बोल हो गए। धिन्नाना धिन, बेस को पहली उंगली से लेना है और इधर थोड़ा सा चिपका करके, ऐसे भी चलेगा, चिपका दोगे तो और खूबसूरती बढ़ जाएगा। देखो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा चिपका कर बजाएंगे तो। ये जो हमारी चटक आ रही है ना, ये उंगली को चिपकाने से आएगी चटक, तो थोड़ा सा हम उंगली को चिपका के बजाएंगे, ना कि हवा में ऐसे ऊपर नहीं बजाना है, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। पहला बोल धिन धिन ना ना, तीन बोल हो गए। आगे बढ़ते हैं धिन धाना, तो धिन कैसे बजाना है ये देख लिए। धिन, बेस को फिर बजाएंगे पहली उंगली से, धिन और धा, धा पर घिस्सा दे देना है और ना खाली लास्ट में, ठीक है। तीनों बोल, सॉरी छह बोल हो गए। शुरुआत से पहला बोल देखिए, धिन ना ना धिन धा ना, बस धिन ना ना धिन धा ना, धिन ना ना धिन धा ना, धिन ना ना। तो अब उठान भी कंप्लीट हो गई, दूसरा ठेका भी कंप्लीट हो गया, तीसरा ठेका भी कंप्लीट हो गया, तीनों चीजें कंप्लीट हो गई। अब एक चीज बची है, लास्ट में जब गाना हमारा एंड होता है, बंद होता है, समाप्त होता है, तो कैसे एंड करते हैं, उस पर क्या बजाएंगे, पहले एक बार देख लीजिए। एंडिंग बता रहा हूँ गाने की, एंडिंग लाइट समाप्त कैसे करेंगे। तिद्धा धा धा धा, पहला बोल ती कैसे बजाएंगे, ऐसे स्याही पर थोड़ा सा दो तीन उंगलियों से ऐसे बिल्कुल सेंटर में, तित एकदम पटाक से चिपक जाए हमारा हाथ, ये 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 पहला बोल हो गया तित। इस पर बेस नहीं बजाना है पहले बोल पे, तित धा 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 धा, जितनी बार भी धा आया है उतनी बार धा बजा दो, धा 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 धा,
शायद टिक धा 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 धा, टिक धा 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 धा, चार बार धा आया है हमारे ख्याल से, टिक धा 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 धा, ठीक है, तो चार बार धा बजाना है, टिक धा 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 धा, बस बंद हो गया, एंड गाना हो गया। अब शुरुआत से लास्ट तक गाने को देखते हैं, ठीक है। हंसता हुआ रानी चेहरा, काली दिल पे रंग सुनहरा, मेरी जवानी होगा तुम्हारे दिल रुबा, दिल रुबा, दिल रुबा, दिल रुबा, दिल रुबा, धा 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 धा, बस बिल्कुल लास्ट एंड हो गया गाना हमारा। अब एक बात और समझ लीजिए, गाने को, भजन को जब आप सुना करें तो उसमें देखो कि उठान कहाँ पर बजी है, कितनी बार बजी है, ठेका कहाँ पर बजा, कितनी बार बजा है, ये बहुत जरूरी है ध्यान देना। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी मेहनत, आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जानते ही हैं कि यूट्यूब पर पैसा बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया है, इसलिए अगर आप अभी तक आप लोग सहयोग करते रहे, और आप सभी ने सहयोग करना भी बंद कर दिया है, तो अगर आप लोग सहयोग करना छोड़ देंगे तो फिर मैं वीडियो कैसे बना पाऊंगा आपके लिए। आप लोगों के सहारे ही मैं चल रहा हूँ, वीडियो को बना रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग सहयोग करते रहिएगा। ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर से गूगल पे, फोन पे इत्यादि चलता है। तो मेरी कोई डिमांड नहीं है कि कितना हमें आप सहयोग करें, आप एक रुपये भी हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, दो रुपये डाल दीजिए, पाँच रुपये डाल दीजिए, ग्यारह रुपये, 21, 51, 101, 501, 1051। आप अगर ज्यादा भी सहयोग कर देंगे तो मैं नाराज नहीं हूँ, मैं मना नहीं करूंगा किसी को, ठीक है। तो भाई ये तो हासिल की बात हो गई, तो आप लोग भाई सहयोग करते रहिएगा, कोई डिमांड नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी डिमांड नहीं है कि आप हमें इतना सहयोग करें, इतना रुपया हमारे खाते में डालें। आप एक रुपया भी हमारे खाते में डालेंगे मुझे स्वीकार होगा, पांच रुपये डाल देंगे वो भी मैं खुश हूँ, 11 रुपए, 21, 51 रुपए, 101, 500, फिर आपके हृदय में, आपके दिल में जितनी श्रद्धा है उतना आप हमें सहयोग करिएगा। आपके सहारे में चलता भी रहूंगा, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता भी रहूंगा, तो अपना सहयोग अवश्य भेजिएगा। और आप रियाज करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास कीजिए, इतना सारा काम दे दिया है, कम से कम एक महीने का काम है ये समझ लीजिए, तो आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। मैं फिर मिलता हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।